बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्री में तो लंबे समय से ही है, साथ ही मुंबई में रहते हुए भी एक्टर को 40 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान इस महानुभाव ने ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय किया है। उनका संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। मुंबई में संघर्ष करने से लेकर अपना पहला रोल हासिल करने तक अनुपम खेर ने अपने जीवन में काफ़ी धूप छाव देखी है और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनका नाम है। हाल ही में मुंबई में रहते हुए 40 साल पूरे होने की खुशी में इस महानुभाव ने एक वीडियो शेयर किया है, तो आइए देखते हैं वो वीडियो जहां से अनुपम जी ने अपने सफलता के सफर की शुरुआत की थी। 40 years, what a journey, what a city, what a life, जिसमें वे अपने सफ़र के बारे में बता रहे हैं और अपने शहर का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। But I never thought about it. I never dreamt that I will one day spend 40 years in the city and this city will be so kind to me. It's kind to everybody. We are reaching the first place that I ever came and stayed in. I got a place. That place, I was told that I'm sharing my room with 4 people. My father said to me, "Tu jahan reh raha hai, wahan ka address kya hai?" So my address was Anupam Kher 2x15, Kherwadi, Kher Road, Kher Nagar, Bandra East. And it made me believe that I will make it. And there was a shop outside called Anupam Tailoring House. Ab maine kaha, ab to duniya ki koi taakat nahi rok sakti. Duniya ki koi taakat nahi rok sakti. So we are trying to find the place right now. If I was not mistaken, that sweet shop that I was talking about, jahan hum doodh peete the, wo left mein tha kahin par. Aur ye sab udhar chalta tha. This was a congested area. Anupam Tailors. We discovered Anupam Tailors. Anupam Kher Mumbai mein 3 June 1981 mein aaye the. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की तालीम लेने के बाद मुंबई में उन्हें 3 संघर्ष करना पड़ा। अनुपम टेलरिंग शॉप, इसका नाम आपने अनुपम कैसे रखा था? पहले से नाम जुड़ा नाम था ना, मेरे बहन का और मेरा अनुपम का नाम था ना। आपकी जुड़वा बहन का नाम अनुपम, और आपका अनुपम कर दिया, मतलब मेरी किस्मत में लिखा था यहाँ पर, लिखा था बराबर, लिखा था बराबर, वही है। चलेगा, चलो आप आ गए, अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा, भगवान आपको खुश रखे। ओके जी, थैंक यू सर। साथ ही वे कार से सफर करते हुए वीडियो के दौरान उस जगह पर भी पहुंचे जहां वे मुंबई आने के बाद सबसे पहले रहा करते थे। हम यहाँ से चल के जाएंगे, ये मेरा पहला घर दोस्तों, ये मेरा पहला घर आ गया। इस दौरान वे जिन 4 लोगों के साथ रहते थे उन्हें भी ढूंढने की कोशिश की और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। कौन है घर पे? उज्ज्वला है, किधर है? बोलो, अनुपम अंकल आए। ये तब मंदिर छोटा था, ये जो सड़क जो आप ये जो देख रहे हैं ये कच्चा था और ये घर इतने पक्के नहीं थे। यहाँ मैंने जिंदगी के 1 गुजारा है इस घर में, और ये मेरे दोस्त हैं। फर्स्ट लैंडलॉर्ड इज मदर, वाज माय लैंडलॉर्ड। दिस कॉरिडोर वाज नॉट देयर, दिस इज एन एक्सटेंशन दैट इज डन, एंड इन्होंने मुझे घर दिया था यहाँ पर रहने के लिए। हम 4 लोग रहते थे यहाँ पर इस कमरे में, ये आधा कमरा था और यहाँ हम जमीन पर सोते थे। ये खिड़की तब फाइनल खिड़की, इस खिड़की के बाहर सीधा ग्राउंड था, है ना। साल 1984 में महेश भट्ट की फिल्म सारांश से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की। एक्टर ने अपनी पहली फिल्म में एक 65 के बुजुर्ग का रोल प्ले किया और अपने शानदार अभिनय से सभी को चौंका दिया। फिल्म कामयाब साबित हुई और इसके बाद इस महानुभाव की फिल्मी सफर ने रफ्तार पकड़ ली।
सर मिलने आते हैं वो बहुत बड़ी बात है, कोई आता नहीं ऐसा मिलने के, लेकिन सर सर हमेशा आते हैं, साल भर में हमेशा हमको मिलने जाते हैं, भूले नहीं आते हमेशा आते हैं, और हेल्प के बारे में भी पूछते हैं, वो बड़ी बात है। अरे वाह, 1981 से मेरे दोस्त हैं ये लोग, 40 साल हो गए मुझे अभी इस शहर में, लेकिन अच्छा लगता है कि आप भूले नहीं यार। भूला नहीं, बिल्कुल नहीं भूल सकता। कैसे भूल सकता, कैसा लग रहा है अमृतनगर? अरे तू फल रहा है, फूल रहा है, तो क्या बन गया अभी? उज्ज्वला बहुत छोटी थी तब, ये तीन दो बहनें थी, एक भाई थी, विकास भाई था, सुरेखा अनफॉर्चुनेटली पास अवे। ठीक हो, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। 1981 में यहाँ रहता था मैं, 40 साल हो गए। अच्छा हाँ, तुम कितने साल की थी? छोटी थी तुम, छोटी थी मैं, है ना? मेरी मेरी कुछ यादें हैं, कैसा था मैं? अच्छा था मैं, ओ अच्छा थी। हाँ बड़ा सोच के बोल रहे, अच्छे थे ना? कितने, चार लोग रहते थे ना हम यहाँ पर? खाली आप ही याद हो, बाकी की सब पता नहीं है। नहीं याद रखने लायक हूँ, मुझे याद है सर, आप चार लोग थे। चलो अपना ख्याल रखना। हाँ। ओके, टेक केयर। अच्छा, आज वे 37 साल के अपने करियर में करीब 450 फिल्मों में नजर आ चुके हैं और सिलसिला अभी भी जारी है और आगे भी रहेगा। साथ ही उन्होंने सबके साथ सेल्फी भी ली। जीवन में किया हुआ संघर्ष जो इंसान नहीं भूलता, उनके पैर हमेशा जमीन पर होते हैं। हमारे BTH एंटरटेनमेंट चैनल की ओर से हम अनुपम जी जैसे महान अभिनेता को हमेशा अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। रोज़ाना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।